दोस्तों भारत पाकिस्तान मैच से पहले शिखर धवन ने किया हैरान करने वाला बयान, जिसे सुनकर कांप गया पूरा का पूरा टीम इंडिया खेमा। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में, अगर क्या बोल गए हैं शिखर धवन ये भी बताएंगे। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय टीम जिम्बाब्वे का टूर जीत कर 3-0 से उसमें क्लीन स्वीप करके अब सीधा एशिया कप में वापसी करने को पूरी तरह से देख रही है। एशिया कप जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 27 अगस्त को इसका पहला मुकाबला खेला गया श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान के। उस मुकाबले में भारतीय टीम को यहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस मुकाबले में हमने देखा कि अफगानिस्तान ने 8 विकेट से श्रीलंका को हरा दिया, जो दिखाता है कि अफगानिस्तान भी एक अच्छी टीम है। उसके बाद दोस्तों आज सबसे बड़ा हाई वोल्टेज का मुकाबला रविवार 28 अगस्त को 7:30 बजे रात्रि से शुरू होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला पूरा का पूरा एशिया कप इस पर निर्धारित रहेगा। जो जीतेगा यह मुकाबला उसके लिए काफी बड़ा अहम होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले से पहले शिखर धवन से जब पूछा गया इस मुकाबले के बारे में, तो उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलता तो पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर होता। मैं हमेशा से आगे बढ़कर खेलना चाहता हूं, लेकिन मुझे टीम इंडिया ने मौका नहीं दिया। लेकिन मैं यही आशा करूंगा कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो केवल और केवल जीत पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि हम इस मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह से रौंद सकें। उन्होंने कहा कि यह मुकाबला न केवल मुकाबला होता है, बल्कि दो देशों के बीच एक वॉर की तरह होता है। ऐसे में भारतीय टीम को यह मुकाबला जरूर से जरूर जीतना चाहिए। आपके हिसाब से शिखर धवन के बयान पर आपका क्या सोचना है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।